सेंटर में कहा, आपने समझा कि एनर्जी डाइट तो काफी ले रहा है, एनर्जी ड्रिंक भी बहुत पीते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी की कमी कहीं रह जाती है, क्या मसला है सर? दो एनर्जी हैं, एक फिजिकल जी एनर्जी और एक लाइफ फोर्स मेटाफिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी हम कैलोरी के रूप में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो मेटाफिजिकल एनर्जी है वो जूल में मेजर होती है। निकोलस जी टेस्ला ने कहा था, जिन्होंने एमआरआई डिस्कवर किया, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स थिंक इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज एनर्जीज एंड वाइब्रेशन। हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है लाइफ फोर्स एनर्जी, जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, जो सीक्रेट है आपके हेल्थ का, आपके हैप्पीनेस का, आपकी वाइटलिटी का, आपके स्टेमिना का, आपके ऑरा का और ओवरऑल पर्सनैलिटी का। जो आप कह रहे हैं ना कि सर एनर्जी तो जी बहुत सारा ले रहा हूं, एनर्जी डाइट भी खा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी एनर्जेटिक फील नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि जो फूड आप ले रहे हैं उसमें कैलोरीज तो हैं लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी के जूल्स नहीं है। इनफैक्ट जो फूड आप ले रहे हैं उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए फिजिकल बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी यूज हो रही है, और यूज होने के बाद वो फूड आपको एनर्जी तो दे रहा है, फिजिकल कैलोरीज तो दे रहा है, लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। रेड बुल पी लीजिए, एनर्जी ड्रिंक पी जी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कैफीन पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, थोड़ी देर आपको अवेकनिंग तो लगेगी, अवेकनिंग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड तो लगेगा, नींद तो भाग जाएगी, लेकिन आप वो स्टेमिना, वो उत्साह, वो लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं ला सकते एनर्जी ड्रिंक पीकर या कैफीन पीकर। वो ठीक है आपके सर। अंदर से आती है। कुछ प्रकार के फूड ऐसे हैं जो हाई लाइफ फोर्स एनर्जी होते हैं, जैसे ही आप उन्हें लेंगे इमीडिएट आपको एनर्जी फील होगी, और बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिनमें लाइफ फोर्स एनर्जी जीरो है, जब आप उन्हें लेंगे आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी और कम हो जाएगी।